Hey फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल मैक डिज़ाइन। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर एक पार्ट दिख रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने क्रियो पहले से ओपन करके रखा है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो ये ड्राइंग को ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको कहाँ से शुरू करना है वो दिखाई देगा। क्लियरली देख लेना आप कहाँ से कौन सा स्टेप लेकर ड्राइंग को 3D मॉडल में कन्वर्ट करने वाले हो क्रियो में, ठीक है। तो पहले तो हम ये फर्स्ट स्टेप ये वाला हो जाएगा, ये सिलेंडर पोर्शन पूरा बना देंगे, उसके ऊपर वाला पोर्शन बना देंगे और ये जो होल वाला है वो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे ये दूसरे वाले पोर्शन पे, जो दूसरा पार्ट है उसका जो कनेक्ट हो रहा है ये वाले पे। तो अभी ये चीज़ बनाएंगे तो हम लोग मतलब ध्यान रखेंगे कि प्लेन एक हम ऐसा ले कि जिस प्लेन पर ये वाला डिज़ाइन बना सके, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कुछ 80 का उसका हाइट दिया है, तो हम प्लेन उस तरीके से बनाएंगे कि ऊपर से प्लेन से ऊपर 30 तक ही ये पोर्शन जाए। तो चलिए ये बनाना शुरू करते हैं। क्रियो ओपन करते हैं, यहाँ पे पहले देख लेते हैं इसका डायमीटर कितना है। 50 का डायमीटर दिया गया है जो कि 80 की हाइट पे आएगा और ऊपर से 30, मतलब प्लेन से ऊपर 30 ही लेना है, ठीक है। टॉप प्लेन सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, एक्सट्रूड कर रहा हूँ, ठीक है। 50 का डायमीटर का एक सर्कल बना दूंगा यहाँ पर, 50 डायमीटर का एक सर्कल बना दिया, ओके प्रेस कर दिया। अभी ऊपर मेरे को ये प्लेन से ऊपर मेरे को 30 ही लेना है, तो प्लेन से ऊपर 30 लिया तो यहाँ पे ऑप्शंस में चले जाऊँगा, साइड टू पे ब्लाइंड करके नीचे 50 ले लूँगा। 50 30 80 टोटल हो गया, ओके प्रेस कर दूँगा। उसके ऊपर एक्सट्रूड करके दूसरा एक सर्कल बन रहा है जो कि 35 डायमीटर और 16 की उसकी हाइट है, तो सर्कल बना दूँगा सेंटर से लेकर 35 डायमीटर और 16 की उसकी हाइट बना दूंगा, 16 की हाइट है, ओके प्रेस कर दूंगा। अभी जो होल वाला पोर्शन है तो होल वाला पोर्शन बना देंगे, कंट्रोल दबा कर ये सरफेस सिलेक्ट की, ये एक्सिस सिलेक्ट की। होल बन रहा है कितना का है, 20 डायमीटर का होल है और यहाँ पे डॉटेड लाइन से आपको मालूम पड़ेगा कि थ्रू आउट निकल रहा है होल, तो 20 डायमीटर दिया हुआ है, यहाँ पर आ जाएंगे थ्रू आउट कर देंगे, ओके प्रेस कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ बन गई इस तरीके से। अभी ये प्लेन सिलेक्ट करते हैं, एक्सट्रूड करते हैं, मतलब यहाँ से नीचे की तरफ ये कुछ 40 ले जाना है ये वाला डिज़ाइन पूरा। तो बनाते हैं ये कैसे बनेगा अभी। तो यहाँ से कुछ 35 पे ये लाइन आ रही है, 75 पे ये लाइन आ रही है। तो मैं पहले प्रोजेक्ट ले लूँगा क्योंकि मेरे को ये मतलब ये शेप क्लोज भी करना रहेगा। तो लाइन लेकर मैं यहाँ से एक लाइन बना रहा हूँ, दूसरी एक यहाँ से सेम इक्वल लाइन बना दूँगा, ठीक है। एक लाइन में कुछ ऐसे निकाल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से एक लाइन में ले रहा हूँ, ठीक है, जो कि वो लाइन की 30 की उसकी मतलब यहाँ यहाँ से यहाँ 30 और यहाँ से यहाँ 35 है। तो लाइन यहाँ से 35 पे आ जाएगी, हो गई, और ये कुछ 30 का बन जाएगा, ठीक है। और मेरे को दूसरी तरफ ये दिख रहा है ये पूरा 10 का बन रहा है, तो ये वाला पोर्शन मैं यहाँ पे 10 कर दूँगा, ठीक है। 10 30 10 40 और 10 50, तो होल डायमीटर आ गया उसका, ठीक है। अभी ये वाला पोर्शन यहाँ पे 75 पे जा रहा है, पर 10 की थिकनेस अगर मैं यहाँ पे निकालूँ तो 65 हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं दे सकता हूँ 65, ठीक है। ये चीज़ दे दी, लाइन करके ये चीज़ को यहाँ पर ले आऊँगा, इतना कुछ ऐसा कुछ बना दूँगा इक्वली। और अभी ये वाला पोर्शन जो बचता है, आपने अगर ऑब्जर्व किया और ड्राइंग, तो ये वाले पोर्शन में यहाँ से आपको मालूम पड़ेगा कि कर्व सा आ रहा है। तो अभी ऊपर से ड्राइंग करते टाइम वो कर्व नहीं दे सकते, और ये कर्व कुछ ऐसा है 70 रेडियस वाला कि हम लोग राउंड में भी ये कर्व नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो इतना पोर्शन हम लोग छोड़ दे रहे हैं ये वाला, जो कि शायद से होगा 6 की रेडियस है, मतलब इसका 12 का उसका डायमीटर हो गया, 12 का डायमीटर आ गया, और यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक 19 है, तो 19 और ये 12, 19 और एक 20 30 31, तो 31 का कुछ यहाँ से 31 आ रहा है, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है कुछ ये 40 का उसका मतलब डायमेंशन रहा होगा, ठीक है, वो बाद में देखते हैं। तो इतना सा पोर्शन छोड़ देते हैं यहाँ से 10 और यहाँ से 10 लेकर यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं, यहाँ पे ये वाला पोर्शन हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो लाइन लेकर ये
पीस दे रहा हूँ, क्योंकि ये 10 आ जाएगा गैप और ये 10 देना है, तो 10, ठीक है। सेम उसी तरीके से इस तरफ ले लूँगा मैं, जो कि मैं इक्वल भी कर सकता हूँ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ कर दूँ और इसको इसके साथ कर दूँ। जस्ट अ मिनट, इसको इसके साथ, अरे ये वाला डिलीट करना पड़ेगा। ये इक्वल ये नंबर दे रहा है, मतलब ये चीज़ दिखा रहा है कौन सी चीज़ किसके साथ मैच कर रही है। तो ये चार इक्वल हो रहा है, ये तीन इक्वल हो रहा है, ठीक है। ये दो और ये दो इक्वल हो रहा है, इसी तरीके से ये एक और ये एक इक्वल हो रहा है। मतलब डायमेंशन में जाके ये चेक कर लूँ, ये चीज़ 10 का है, देख लीजिए हो गया, परफेक्ट है, 65 65। तो ओके प्रेस कर दूंगा मैं, नीचे की तरफ 40 ले लूँगा और हो गया, ओके प्रेस कर देना। तो ये चीज़ ऐसी कुछ बन रही है, ठीक है। अभी ये वाली सरफेस सिलेक्ट करके एक्सट्रूड कर देंगे हम और आ जाते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ से कुछ मैं ये पोर्शन से लेकर इस तरीके से कुछ मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ, ठीक है, जो कि आएगा 40 का, और ये भी मैं कुछ 40 ले रहा हूँ, ठीक है, फ़िलहाल अभी के लिए, बाद में देख लेंगे क्या हो रहा है। भाई सर्कल है वो ले लेंगे हम लोग, 12 की रेडियस का सर्कल है, और यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से सेंटर पॉइंट 20 है, तो ये ओवरऑल 40 है, तो मतलब ये सेंटर में ही आएगा। तो सर्कल पे चले जाऊँगा, ये सेंटर लाइन को पकड़ कर, चलो सेंटर लाइन बाद में देखते हैं, यहाँ से 20 कर दूँगा, और 12 का उसका डायमीटर है, 6 की रेडियस, 12 का डायमीटर, डायमेंशन में चलोगे, यहाँ से ये वाला पॉइंट है जो कि 19 आ रहा है, ठीक है। तो मेरे को सही लग रहा है कि ये 40 ही होना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि सर्कल से मतलब बहुत कुछ ज़्यादा डिस्टेंस नहीं, अभी ये 70 की रेडियस लेनी बाकी। तो मैं यहाँ से कुछ ये रेडियस दे रहा हूँ, यहाँ से ठीक है, एक बार फिर से ट्राई करते हैं, ये चीज़ नहीं आनी चाहिए, हाँ इस तरीके से, अरे जस्ट अ मिनट, हाँ तो यहाँ से यहाँ तक का कुछ ऐसा रेडियस दे देना है, ठीक है। और ये किसी के साथ इक्वल हो रहा है, जो कि नहीं, ये नहीं हो रहा है इक्वल, तो यहाँ से मैं ये वाला निकाल दूँगा, डायमेंशन में चले जाऊँगा, ये वाला दे देना है मेरे को, तो ये कुछ 19 40 40, और ये सही है, हाँ ये वाला डिलीट करना है, क्योंकि ये सर्कल से मैच कर रहा है इसका सेंटर सर्कल, तो ये डिलीट करना है, और 70 का उसका रेडियस दे देना है, ठीक है। अभी ये चीज़ यहाँ से 40 लेकर करना है कि यहाँ से यहाँ तक 40 कर देना है, देख लेते। ये डिलीट कर दूंगा मैं, यहाँ से डायमेंशन में ये सिलेक्ट करके 40 कर रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अभी मेरे को लग रहा है, ठीक है, ओके प्रेस कर देते हैं। कुछ ये 10 का था, कुछ ज़्यादा नहीं है, 10 का है, ये देख लीजिए, यहाँ पे 10 का है, ठीक है। ऑब्जर्व ड्राइंग करेंगे तो अच्छे से आपको मालूम पड़ सकता है, तो ड्राइंग बार बार देखना नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ 10, ये 10 20 और ये 30 हो रहा है ऐसा कुछ, ये 10 हो गया, ये इतना 10 आ जाएगा, और ये 10 30, 10 10 20 10 30 हो रहा है, ओके प्रेस कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ बन गई, इसको मिरर कर देंगे, ये वाला प्लेन सिलेक्ट करके ओके प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो हो गया, मेरे को अभी कुछ बाकी दिखाई तो नहीं दे रहा है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, अगर आपको पसंद आया, कुछ सीखने को मिला है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरी चैनल को, रिकमेंड करिए अपने फ्रेंड्स को, मैकेनिकल वाले, मैकेनिकल ड्राइंग के मोस्टली मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो रेगुलर इंडस्ट्री में यूज़ होने वाले सॉफ्टवेयर है वो मैं आपको सिखाऊंगा। वे फिलहाल क्रियो चल रहा है, उसके साथ इसका सिमिलर जो सॉलिड वर्क है वो लूँगा, और उसके बाद ऑटोकैड अगर आप चाहते हो तो कमेंट में मुझे बता देना। ऑटोकैड बेसिकली सब लोग पहले से सीख ही लेते हैं, मतलब जो मैकेनिकल फील्ड पकड़ने वाले होते हैं वो पहले से ऑटोकैड सीख लेते हैं, और ऑटोकैड के बहुत सारे इजी लैंग्वेज में वीडियो मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे। ये क्रियो सॉलिड वर्क थोड़े हार्ड है, मतलब ज़्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज में ही मिलते हैं वीडियो, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इजीली आप तक मैं इजी लैंग्वेज में आप तक वीडियो पहुँचा सकूँ, इसीलिए मैंने ये चैनल स्पेशली बनाई हुई है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, बने रहिए मेरी अगली वीडियो कल मॉर्निंग सुबह में आने वाली है, 9 बजे आ जाती है मेरी वीडियो, उसको भी